हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज फिर आई हूं मैं एक नए टॉपिक के साथ। टॉपिक बहुत खास है क्योंकि मेरी कोशिश यही रहती है कि मेरे हर टॉपिक के साथ मैं आपके ब्रेन को बूस्ट कर सकूं। आज का टॉपिक है वो रूल जो दुनिया के सबसे बड़े अचीवर्स ने यूज करके या अपना करके अपने अचीवमेंट्स को गेट किया पाया। वो सारे रूल्स जो जितने भी अचीवर्स इस दुनिया में हुए हैं, जिन्होंने बड़ी बड़ी सफलताएं हासिल की हैं, जो आम आदमी के लिए सोचना भी मुमकिन नहीं है, उसके पीछे जो उन्होंने रूल्स फॉलो किए, आज मैं आपके साथ वो सब डिस्कस करने जा रही हूँ। मैं स्टार्ट करती हूँ अपनी वीडियो। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि कोई भी वीडियो अगर आप किसी की भी देखते हैं तो याद रहे, या तो आप देखें ना, नहीं तो देखें तो फर्स्ट टू लास्ट देखें, क्योंकि जो व्यक्ति आपके लिए वीडियो बनाता है वो बहुत मेहनत करता है और उसके पीछे जो उसका मैसेज होता है वो पूरी वीडियो देखने के बाद ही क्लियर होता है। तो हमेशा ध्यान रखें कि जब भी किसी की वीडियो देखें तो हमेशा कंप्लीट देखें। इस दुनिया में जितने भी बड़े अचीवर्स रहे हैं उनमें कुछ बातें कॉमन थी। उनमें सबसे कॉमन बात जो हमें जानने को मिली, मैंने बहुत सारे ऐसे अचीवर्स हैं उनकी बायोग्राफी पढ़ी और मुझे पता चला कि वो सारे ही लोग अपनी लाइफ में अपने काम को करने के प्रति बहुत ज्यादा समर्पित थे। दृढ़ निश्चय के साथ वो हर काम को करना शुरू करते थे और जब तक उसे अंजाम तक नहीं पहुंचा देते थे वो बैठते नहीं थे। अगर आपको कोई भी काम करना है तो आपको कहीं ना कहीं अपने ब्रेन में कुछ गोल सेट करने होंगे। अपनी लाइफ में आपको जो भी अचीव करना है आपको उन सबको एक पेपर पे लिख लेना चाहिए। ये सारे जो अचीवर्स हैं ये उन सबकी आदतें थी कि वो अपनी लाइफ में जो जो भी अचीव करना चाहते थे उन्होंने पहले पेपर पेन लेके उस सबको नोट डाउन किया। नोट डाउन करने के बाद उन्होंने ये डिसाइड किया कि हम किस तरह से इन चीजों को फॉलो करेंगे और स्टेप वन क्या होगा, स्टेप टू क्या होगा, लास्ट तक उन्हें क्या करना था, उन्होंने सब चीजें लिखी हुई थी। एक्चुअल में क्या होता है, एक आम आदमी सुबह उठकर बहुत सारी चीजें सोचता है, सोचने के बाद में वो एक या दो ही करता है, बाकी कल पे टाल देता है। लेकिन एक खास बात बताती हूँ आपको, अगर आप अपनी लाइफ के गोल्स या कोई भी काम करना आपने सेट किया है, टारगेट बनाया है, आपने ऑन पेपर उसको रिटेन कर लिया है, तो उस कंडीशन में आप पाएंगे कि आप कहीं ना कहीं ज्यादा पंचुअलिटी से उनको फॉलो करते हैं, क्योंकि आपने सुबह का टाइम निकालकर उनको नोट डाउन किया है कि आज दिन में मैं ये काम जरूर करूंगा। इसीलिए आप सब लोग भी अपनी आदत में शामिल करें, आपको जो भी काम करने हैं अपनी पूरी लाइफ में एक दिन बैठकर आराम से ठंडे दिमाग से उन सारी चीजों को नोट डाउन करें कि आपको अपनी लाइफ के किस जगह पर जाकर क्या क्या चाहिए, वो सब नोट डाउन करें और अपने दिन की शुरुआत अपनी चीजों को जो आपको करनी है वो आपको एक पेपर पे लिख लेनी चाहिए। और आपको पता होना चाहिए कि मुझे दिन में अगर 5 काम करने हैं तो आप अपने टाइम को इस लिहाज से मैनेज करें कि वो 5 काम आप उसी दिन में पूरे करें। अगर आप ये आदत सीख गए तो 50% आप कामयाब हो चुके हैं। शुरू में आपको थोड़ा सा दिक्कत जरूर आएगी, लेकिन धीरे धीरे जैसे ही आप इसे हैबिट में लाएंगे आप इस चीज को करने के यूज टू हो जाएंगे और फिर आप देखिएगा कि आपकी लाइफ में कितने चेंजिंग्स आते हैं। दूसरी सबसे बड़ी चीज, ये जितने भी अचीवर्स रहे हैं, आप मेरी बात पे ट्रस्ट ना करें तो आप उठाएं उनकी बायोग्राफी पढ़ें, आपको खुद पता चल जाएगा, ये सब अर्ली राइजर्स थे। सुबह जल्दी उठना, टाइम से सोना, सुबह जल्दी उठना, इन सभी लोगों में आप हजारों लोगों की, जितनी भी सक्सेस लोग हैं जिन्होंने बड़े बड़े अचीवमेंट्स पाए हैं, आप उनकी कोई भी ऐसी स्टोरी उठाइएगा कि उनकी दिनचर्या कहाँ से शुरू होती थी, तो आपको पता चलेगा कि वो लोग सुबह मॉर्निंग उठते थे और ये रूटीन उन्होंने अपनी लाइफ में कभी ब्रेक नहीं किया। एक्चुअल में अर्ली राइजर्स जो होते हैं उनका ब्रेन आम आदमी की कंपेयर में, जो अपने टाइम को फॉलो नहीं करते और जो सुबह जल्दी नहीं उठते, उनकी कंपेयर में ज़्यादा ऊर्जा से भरपूर होता है। उसके पीछे साइंटिफिक रीज़न भी है। साइंटिफिक रीज़न ये है कि सूर्य की किरणें जो सुबह सुबह 5 बजे
जब सूर्य उगते हैं, जब सूर्य उगता है, उस टाइम पर जो सूर्य की रेज होती हैं, वो बहुत ज्यादा ऊर्जा से भरपूर होती है। उस कंडीशन में हमारी बॉडी के अंदर पूरी तरीके से कैल्शियम भी ऑब्जर्व हो पाता है, एंड सेकेंड वन, और ऊर्जा इतनी ज्यादा 100% हमारी बॉडी में संचार कर रही होती है कि अर्ली राइजर्स आम आदमी होते हुए कुछ ही समय में आम से खास बन जाता है। ये एक ऐसी आदत है जो बड़े अचीवर्स में कॉमन पाई गई। आप लोग भी चाहें तो आज ही से इस रूल को फॉलो करके अपने आप को आम से खास बना सकते हैं। मैं भी ये कोशिश करने जा रही हूं। दो लोग इस दुनिया में अर्ली राइजर जरूर होते हैं, जानना चाहेंगे कौन? नंबर वन, एक बहुत गरीब आदमी, वो सुबह उठता है रोटी कमाने के लिए। और नंबर टू, एक बहुत अमीर आदमी जिसके पास पैसा तो बहुत है लेकिन हेल्थ अच्छी नहीं है, और वो उठता है सुबह रोटी पचाने के लिए। मतलब एक इंसान भूख मिटाने के लिए दौड़ता है और दूसरा इंसान जो खाया हुआ है उसे पचाने के लिए दौड़ता है, क्योंकि उनकी बॉडी हेल्दी नहीं होती। जिस दिन आप रोटी कमाने और रोटी पचाने से बाहर निकलकर अपने सपनों को कमाने के लिए निकलेंगे, उस दिन आप बनेंगे बड़े अचीवर। और आपके अचीवमेंट्स ऐसे होंगे जिनसे पूरी दुनिया इंस्पिरेशन लेगी। आप एक प्रेरणा स्रोत बन जाएंगे इस दुनिया के लिए। रतन टाटा जी हिंदुस्तान के एक ऐसे इंडस्ट्रियलिस्ट हैं जिनको शायद हर किसी को दिल से इज्जत करनी चाहिए। एक आम आदमी तो शायद इन सब चीजों को जानता ही नहीं है कि रतन टाटा जी ने आम इंसान के लिए कितना कुछ किया है। मैं उन्हें बहुत 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 दिल से इज्जत करती हूं। दोस्तों, आप सबको अपनी लाइफ में ये रूल्स जरूर अपनाने चाहिए। नंबर वन, दृढ़ निश्चय। नंबर टू, अर्ली राइजर आपको बनना है, सुबह जल्दी उठने की आदत डालें। नंबर थ्री, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आप उसे इग्नोर नहीं कर सकते, वो है आपको टाइम मैनेजमेंट करना जरूर आना चाहिए। जो लोग अपने टाइम को पूरी तरीके से यूटिलाइज करना जानते हैं, मैनेज करके चलना जानते हैं, और एक वर्क एफिशिएंसी, मतलब काम को तेजी से करना। अगर आपने कोई टारगेट सेट किया है, अगर किसी व्यक्ति ने, कोई अचीवर है जिसको आप फॉलो करते हैं, उसने अपनी जिंदगी में अपने टारगेट्स 10 साल में फॉलो किए हैं, तो आप उसे 5 साल में कर सकते हैं कंप्लीट। कैसे? क्योंकि आपके पास वो अनुभव भी तो है जो उस व्यक्ति ने आपके साथ शेयर किया है अपने बुक्स के थ्रू, अपने मैसेजेस के थ्रू। तो आप अपने अचीवमेंट्स कम समय में भी कर सकते हैं। ये कुछ रूल्स हैं, अगर इन्हें आप अपनाएं तो डेफिनेटली आप अपनी लाइफ में बहुत बड़े अचीवर बनेंगे और दुनिया के लिए बहुत बड़ा प्रेरणा स्रोत। अगर मेरी वीडियो आपको समझ में आ रही है कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ, अगर मेरी वीडियो से आप थोड़ा सा भी इंस्पायर हुए हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मुझे यूट्यूब, इंस्टा, फेसबुक और ट्विटर हर जगह फॉलो करें। मेरे कंटेंट्स सिर्फ आपके लिए होते हैं और मेरी वीडियोज़ फर्स्ट टू लास्ट ज़रूर देखा करें। थैंक यू सो मच।